1 फरवरी 2021 देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने लोकसभा में बजट पेश किया है, जिसको लेके बहुत सी उम्मीदें थी कि खेती से जुड़ी कोई घोषणा होगी, पर बजट में ऐसा कुछ नहीं रहा। लेकिन 5 राज्यों में चुनाव होने के कारण राज्यों में स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे। 5 राज्यों में असम, केरला, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल शामिल हैं, लेकिन पुडुचेरी को लेके कोई भी घोषणा नहीं की गई है और वहीं टैक्स को लेकर कोई विशेष बदलाव नहीं किया गया है। लेकिन बुजुर्गों के लिए राहत की खबर है, जो 75 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं, जो पेंशन और ब्याज पर अपना घर चला रहे हैं, उन्हें टैक्स रिटर्न नहीं भरनी होगी और अब गाड़ी खरीदना और महंगा होगा, क्योंकि ऑटोमोबाइल्स के पार्ट पर रेट बढ़ाया गया है और वहीं डीजल पर 4% और पेट्रोल पर 1.5% रेट बढ़ाया गया है। इस बार हेल्थ बजट में 137% बढ़ोतरी हुई है, जिसका बजट 2.23 लाख करोड़ है, जिसमें से 64,180 करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किए जाएंगे। पिछले साल हेल्थ के लिए 94,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया था और वहीं कोरोना वायरस के लिए 35,000 करोड़ का फंड रखा गया है और वहीं 75,000 नेशनल हेल्थ सेंटर और 602 जिलों में क्रिटिकल हेल्थ केयर सेंटर बनाए जाएंगे। और वहीं खबर ये भी है, होम लोन के ब्याज पर एक्स्ट्रा छूट दी जाएगी। खबर ये भी है कि होम लोन के ब्याज पर एक्स्ट्रा छूट दी जाएगी, 1 साल की भी छूट होगी और सरकारी प्रोजेक्ट शुरू होने से रोजगार भी दिया जाएगा। रोजगार के लिए बजट 5.54 लाख तय किया गया है और 15,000 आदर्श स्कूल, 100 से ज़्यादा आर्मी स्कूल खोलने का वादा किया गया है, जिसके लिए 93,224 करोड़ का बजट दिया गया है। कृषि कर्ज का लक्ष्य 10% बढ़ा, जिसमें गैस कनेक्शन, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी काम करने की बात की गई है, जिसके लिए 16.5 लाख करोड़ रुपए दिए जाएंगे और 5 साल में 2.86 करोड़ घरों में नल से पानी मिलने की बात की गई है, जिसके लिए 2.87 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारे और बहुत से लोगों के ये सवाल है कि हर साल इतना बजट बनाया जाता है और इतने फंड मिलते हैं, तो विकास क्यों नहीं होता। हमारे और बहुत से लोगों के मन में एक सवाल आ रहा है कि हर साल इतना बजट बनता है और इतने फंड मिलते हैं, तो विकास क्यों नहीं नज़र आता और जीडीपी गिरती हुई क्यों नज़र आती है, इतना बजट जाता कहाँ है। मौजूदा हालातों ते नज़र मारीे तो इंसान तरह तरह दियां बीमारियां नाल जूझ रहा है। इंसान बीमारियों तो छुटकारा पाउण लई तरह तरह के उपराले भी करता है और जिमें तुहाडे दुखां नूं मद्देनज़र रखते हुए इस तो पहला फीर लीफ ऑयल तैयार किया गया, जिस द्वारा 125 बीमारियों का इलाज किया गया। तो हुण एक होर प्रोडक्ट तुहानूं दुखां तो नजात दवाउण लई हाज़र है, फीर लीफ पावर, जिस दे नाल तरह तरह दीआं कमजोरियां नूं दूर किया जा सकता है, जिमें मरदाना कमजोरी, अंतरियां दी सोजिश, पेशाब विच जलन, दिल दी कमजोरी, खून दी कमी अते दिमाग नूं तेज़ करदा है। अलग अलग लैबोरेटरियां तो आयुर्वैदिक माहरां द्वारा टैसट हो के आप सब दे रूबरू है और जिस दे विच कई तरह दीआं आयुर्वैदिक जड़ियां बूटियां अते कई तरह दे पसम मिला के तैयार किया गया है। वह नौजवानों लई बड़ा वरदान सिद्ध हो रहा है। जो नौजवान मरदाना कमजोरी नाल जूझ रहे ने, वह हुण फी रिलीफ पावर का इस्तेमाल करन तो बाद दोबारा खोई हुई मरदाना ताकत नूं हासिल कर सकते ने। ये मेडिसन 100% आयुर्वैदिक है,
इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। तुसी वधेरे जानकारी लई संपर्क कर सकते हो 94784 84087।